चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होगा? सबसे पहले कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है, और स्फीयर के पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है? के क्यू अपॉन आर होता है। ये वैल्यू उठा कर रख दो यहां, तो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या आएगा? क्यू अपॉन के क्यू अपॉन आर होगा। क्यू से क्यू गया, आर ऊपर जाएगा, आर अपॉन के आएगा। के की वैल्यू हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो ऊपर चला जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी वाला ऑप्शन, सी इज प्रोपोर्शनल टू आर सही होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।